आज से आप अहिल्याबाई होलकर कहलाएंगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे परिवार में आपका आगमन हमारे वंश और प्रजा के लिए वरदान साबित हो। सिर्फ गृहलक्ष्मी ही नहीं, मां दुर्गा और सरस्वती का अवतार बन आप होलकर वंश को एक नई पहचान और सम्मान दिलवाएंगी, यही कामना है हमारी। पहले हमारा परिवार भोजन करेगा अहिल्या, और अब आप होलकर परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए आपको हमारे साथ ही खाना होगा। अरे अरे, ऐसे नहीं मेरे भोले भाले भाई। पहलानी वाला पति पत्नी एक दूसरे को खिलाते हैं। मेरी शादी हो गई है ना, तो मुझे पता है ये सब। अपने पति को खिलाओ पहले। अरे अरे, ऐसे नहीं, खिलाने से पहले तुम्हें उखाड़ा बोलना पड़ेगा। उखाड़ा क्या होता है? उखाड़ा मतलब कविता की तरह अपने पति का नाम लेना होता है। इन्हें ये सब क्या पता आपका साहेब? और सीता बाई, आप भी ना, आपको ये सब शादी से पहले आता था क्योंकि हमने आपको सिखा दिया था। हाँ। अब अहिल्या से ये उम्मीद करना कि तुरंत कविता सुना दे, ये कुछ ज्यादा हो गया ना। लगता है हमारे छोटे सरकार तो भूखे ही रह जाएंगे। कपिला, नट्टू, बसंती, थोड़े थोड़े आओ। हमसे दोस्ती करने आए हैं छोटे सुबेदार जी खंडेराव। अगो भाई, बनाया? हाँ। शाबाश अहिल्या,
शुरू कीजिए। पालकी वाले और घुड़सवार तैयार, अब हम ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते हैं। जी सरकार, सारी तैयारियां हो गई है। रास्ते में आराम करने के लिए जहां हम रात को रुकने वाले हैं, वहां पहले से ही कुछ सैनिक चले गए ताकि अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर सके। जी से भी आशीर्वाद ले ले। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, जी तुम मेरी शादी देखने बाहर क्यों नहीं आई? नहीं आ सकती रे बाड़ा, तेरे आजू बाप ही इस दुनिया में नहीं है ना, और पति के जाने के बाद कोई भी शुभ काम में पत्नी नहीं जा सकती। अकेले कोठरी में रहना पड़ता है उसे, अंतिम सांस तक। अब समझी, इसलिए रिनु नहीं आई ना मेरी शादी में। बाहर चल, विदाई का समय हो गया। देखना अहिल्या, किसी ने मुझे आने ही नहीं दिया तुझसे मिलने। मेरा बहुत मन था तेरी शादी देखने का। आज के दिन मैंने अपनी अहिल्या को रुला दिया।
आज से तेरा नया संसार बस रहा है। सदा हंसती रहना, खुश रहना। पापा तेरी रक्षा करेंगे। बेटी चलो चलते हैं। आइए जाओ इसे।
इन सब को छोड़कर जाते हुए दुख हो रहा है, डर लग रहा है। हम समझ सकते हैं कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। अपने गांव की, अपने आई बाबा भाइयों की, अपने सहेलियों की कितनी याद आएगी तुम्हें। लेकिन अपने इस पक्कम पक्के दोस्त के होते हुए इतना उदास होने की जरूरत नहीं अहिल्या। ऐसा करो, अपने मायके से कोई एक चीज अपने साथ ले लो, कुछ ऐसा जो अपने साथ होगा तो तुम्हें यह भी नहीं लगेगा कि वहां नए लोगों के बीच उस नए घर में अकेली हो तुम। आओ जरा। ये क्या कह रहे हैं आप? हर लड़की को अपना सब कुछ मायके में ही छोड़कर जाना होता है, यही तो रिवाज होता है। हाँ गौतम, मगर इस रिवाज में कितना दर्द, कितनी तकलीफ होती है जानती है ना? शादी के बाद आप भी तो अकेले में बहुत रोया करती थी, भूल गई? बेटी से बहू बनने का रास्ता अपने आप में बहुत मुश्किल है। अगर इस मुश्किल को हम थोड़ा आसान कर दें तो ना सिर्फ अहिल्या के लिए, हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो क्या सोचा तुमने, किसे साथ लेकर जाना चाहते हो? आप मुझे दे दोगे? मानना नहीं होता तो हम आपसे कहते ही क्यों? मुझे ना अपनी सहेली को अपने साथ ले जाना है। तुम्हारी सहेली रेनू ये तो वही है ना जो कुछ दिन पहले भी सुना आपने? आपकी बेटी क्या कह रही है, किसे साथ ले जाने की मांग कर रही है? मैं समझाती हूँ उसे। जल्दी समझाइए, विदाई में देर हो रही है। अहिल्या, सुबह आप गुस्सा हो, अपने तो कहा था ना कि जो चाहो मांग लो, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है ना कि बस एक मैं ही हूँ जो रोज रोज रेनू से मिलने जाती हूँ।
और अगर मैं आपके साथ आपके घर चली जाऊंगी तो रेनू अकेली पड़ जाएगी, कौन बात करेगा उसके साथ, कौन खेलेगा? कितने रेनू को मेरी शादी में नहीं आने दिया, बस वही एक थी जो मेरी शादी में नहीं आई थी। सुमेदार जी, अगर मैं नहीं रहूंगी तो रेनू बहुत उदास हो जाएगी, बहुत रोएगी वो। आओ जरा आइए ना। आप चुप क्यों हैं? कहीं फिर से अहिल्या का साथ देने का इरादा तो नहीं है ना आपका? देखिए, उसकी हर बात को मानकर उसे और जिद्दी बनाना ठीक नहीं होगा। भला ये भी कोई मांग है क्या? हम अपनी गृहलक्ष्मी को साथ लेने आए हैं, एक विधवा को इसके साथ कैसे ले जा सकते हैं? गौतमा शांत, देखो बेटी, हम जानते हैं तुम्हें रेणु से कितना लगाव है, नहीं जानते तो उस दिन पूरे समाज के सामने रेणु से मिलने की इजाजत नहीं देते हम। लेकिन तुम जो मांग कर रही हो वो समाज के नियमों के खिलाफ है बेटी। ओ अहिल्या, जब तू ये समझ गई थी कि विधवा होने के कारण रेणु तेरी शादी में नहीं आ सकती, अपने साथ अपने ससुर लेकर जाने का कैसे बोल दिया तूने? अशुभ होगा ऐसा करना। अरे आई चीनू तो मेरी पक्कम पक्की सहेली है ना, और हम दोनों तो रोज खेलते, तब तो कोई अशुभ नहीं हुआ, ऐसा क्यों होगा? और सुमिता जी ने भी तो वादा किया था ना, वो अपना वादा थोड़ी ना तोड़ेंगे, है ना सुमिता जी? कुछ बोलो ना सुमिता जी, एक नहीं दो बार वादा किया था आपने कि मैं किसी के लिए कुछ भी मांगू आप मुझे दे दोगे, याद है ना आपको? अगर मैं कुछ करूंगी तो आप साथ दोगे मेरा? हम साथ देंगे तुम्हारा, वचन देते हैं। याद है वादा वचन, बहुत बड़ी और गंभीर बात होती है अहिल्या, पर वचन को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ वचन देने वाले की नहीं होती, उसकी भी होती है जिसे वचन दिया गया है या जिसने वचन मांगा है, और उन दोनों में से कोई एक अगर जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा तो वचन को पूरा कर पाना संभव नहीं। तुम्हारी ये मांग
पूरे नहीं कर सकते अहिल्या। तुम जिसे अपने साथ ले जाने की बात कर रही हो, हम उसकी इजाजत नहीं दे सकते। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा उद्देश्य, जिस कारण तुमने ये मांग की, हम सब समझते हैं अहिल्या। पर हमने अभी कहा ना, वचन बहुत सोच समझ कर मांगना चाहिए। रेणु का तुम्हारे साथ जाना समाज के रीत के खिलाफ तो है ही, पर रेणु के आई बाबा का भी तो सोचो। वो कैसे अपनी बच्ची को किसी के साथ जाने देंगे? वो भी तो अकेले हो जाएंगे अपने बच्ची के बिना। तुम्हारे आई बाबा तुम्हें हमारे साथ जाने दे रहे हैं क्योंकि अब तुम हमारे परिवार की बहू हो। हम सबके साथ ये जितने हैं, कई नए रिश्ते जुड़ गए हैं तुम्हारे, लेकिन रेणु तो सिर्फ तुम्हारी सहेली है, हमारे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं। फिर वो अपने आई बाबा को छोड़ के वहां कैसे खुश रह सकती है, बताओ? हाँ, ये सच है कि तुम्हारे जाने से वो उदास हो जाएगी, लेकिन बेटा रेणु के आई बाबा है ना, उसके साथ संभाल लेंगे। आखिर वो बेटी है उनकी, और अहिल्या कुछ दिन पहले ही तो इतने बड़े दुख का सामना किया है तुम्हारी सहेली ने, तो अब उसे अपने आई बाबा से दूर करना क्या सही होगा, तुम ही बताओ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.